इंडिया पाकिस्तान, ये दो कंट्रीज जंग के मैदान में 3 बार भिड़ चुके हैं, मगर क्रिकेट के मैदान में जब भी ये दोनों टीम सामने सामने आते हैं ना, तो फैंस तो कुछ ऐसा ही बर्ताव करते हैं कि ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं, ये एक जंग का मैदान है। हेलो गाइज, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज के दूसरे एपिसोड में, जहां हम आपसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप राइवलरी का जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कितने मेमोरेबल और कितने इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में। पहले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था 1992 का वर्ल्ड कप मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। वो पहला मुकाबला था जो भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्रिकेट में खेल रहे थे, और वहां पर भारत ने पाकिस्तान को बहुत आसानी से हराया था। भले ही पाकिस्तान आगे जाके उस साल वर्ल्ड कप जीत गई, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी हार की जो सीरीज है, जो सिलसिला है हार का, वो वहां से शुरू हो चुका था। उस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे बहुत ही युवा सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी भी खेली थी और आमिर सोहेल का विकेट भी लिया था। और अब हम बात करेंगे 1996 में हुए वर्ल्ड कप मुकाबले की, जहां भारत और पाकिस्तान कोई आम मुकाबले में आमने सामने नहीं थे, वहां भारत और पाकिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल में हुई थी भिड़ंत। 1992 में भारतीय टीम में काफी लेजेंडरी प्लेयर्स भी खेल रहे थे, जैसे कि कपिल देव, कृष्णमाचारी श्रीकांत, जो 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिता चुके थे। लेकिन 1996 में इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में कहें तो एक नई भारतीय टीम ने, उस समय की एक नई भारतीय टीम ने कैसे पाकिस्तान जैसे एक्सपीरियंस टीम को उस साल हराया था, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। 1996 में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे वसीम अकरम, क्योंकि इमरान खान 1992 वर्ल्ड कप जिताने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे। अब पाकिस्तान की टीम की कमान मिली थी वसीम अकरम को, लेकिन 1996 वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पाकिस्तान की टीम मैच शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर आ गई। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम पसलियों की चोट की वजह से क्वार्टर फाइनल से बाहर हो। अब दुविधा बहुत बड़ी थी कि वसीम अकरम जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी अगर टीम में मौजूद ही ना हो तो पाकिस्तान कैसे ये मुकाबला जीतेगा। हालांकि 1996 का जो वर्ल्ड कप है वो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये तीनों के तीनों देश आपस में होस्ट कर रहे थे, लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच होना था, ये होने वाला था बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में। अब इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह थी कि इसकी बाउंड्री आज जितनी छोटी है उस समय भी छोटी ही हुआ करती थी। इस बात में कोई दोराई नहीं थी कि यहां पर रन्स लगेंगे, और उम्मीद यही थी कि बहुत सारे रन्स लगेंगे और शायद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा एडवांटेज रहेगा। अब टॉस का समय आता है। टॉस करने के लिए फील्ड पर दोनों कप्तान आते हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन और आमिर सोहेल। मैंने आपको बता ही दिया कि वसीम अकरम उस मुकाबले में इंजर्ड थे और खेल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा था और उनकी गैर मौजूदगी में टीम की कमान मिली ओपनिंग बल्लेबाज आमिर सोहेल को। टॉस हुआ, सिक्का उछला, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत के लिए टॉस जीता और उन्होंने कहा कि वो बल्लेबाजी करना प्रेफर करेंगे, और वहां से शुरू होती है भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप इतिहास के दूसरे मुकाबले की दास्तां, जो कि भारत के लिए आगे जाकर काफी यादगार लम्हा बनने वाली थी। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर और हमारे प्यारे, हम सब के चहेते नवजोत सिंह सिद्धू। जी हाँ, आप लोग सब उन्हें लाफिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं, इंडिया के लाफिंग बुद्धा है वो, लेकिन आप
लोगों में से शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू भारत के लिए ओपनिंग करते थे और 1996 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे ओपनिंग पार्टनरशिप्स भी की थी। अब ओपनिंग शुरू हुई नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर के बीच एक बहुत अच्छी पहले विकेट की साझेदारी हुई। 90 रन जोड़े पहले विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने और नवजोत सिंह सिद्धू ने उसी पार्टनरशिप में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों, लेकिन सचिन तेंदुलकर 31 रन बनाकर अताउर रहमान की गेंद पर प्ले डाउन हो जाते हैं और वापस पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं आज के जाने माने कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर। अब संजय मांजरेकर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच भी एक काफी अच्छी साझेदारी बनती है। इस 48 रन की साझेदारी में संजय मांजरेकर उसके बाद 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 138 पर भारत का दूसरा विकेट गिरता है। संजय मांजरेकर 20 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट जाते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, भारत के कप्तान, और मोहम्मद अजहरुद्दीन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 30 रन की साझेदारी होती है और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ अपने शतक से 7 रन पीछे आउट हो जाते हैं। मुश्ताक अहमद की एक बहुत शानदार फ्लिपर गेंद पर पुल करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू चकमा खाते हैं और बॉल विकेट्स पर लगकर स्टंप्स की गिल्लियां उड़ा देती है और इस तरह से समाप्त होती है एक बहुत ही शानदार पारी जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने 115 बॉल खेलते हुए 93 रन बनाए जिसमें उनकी पारी में 11 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 80.87 का रहा जो कि उस समय में एक काफी बड़ी बात होती थी, खास करके जब आप ओडीआई क्रिकेट खेल रहे होते थे। अब अजहरुद्दीन और विनोद कांबली मौजूद थे मैदान पर और इन दोनों के बीच भी 32 रन की साझेदारी होती है जिसके बाद अजहरुद्दीन 27 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही विनोद कांबली भी 24 रन बनाकर वापस आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अजय जडेजा भी आज के जमाने के काफी नामी गामी कॉमेंटेटर है, लेकिन अजय जडेजा ने जो पारी खेली उस मैच में उसी के बदौलत भारत ने आखिरी के वो जो कुछ ओवर्स थे वहां पर काफी रन्स जोड़े और अजय जडेजा ने उस टाइम पर उस तरह की पारी खेली जैसे कि हम आज T20 क्रिकेट में देखते हैं। 45 रन 25 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के, 180 का स्ट्राइक रेट, ये आज के डेट में T20 क्रिकेट में हमें देखने को मिलता है और ये अजय जडेजा उस जमाने में कर रहे थे जब T20 क्रिकेट किसी ने सोचा भी नहीं होगा। T20 क्रिकेट तब 10 साल पीछे था, यानी कि जब ये वर्ल्ड कप खेला गया उसके 10 साल के बाद T20 क्रिकेट आया, इंट्रोड्यूस हुआ एज अ फॉर्मेट। तो आप सोचिए उस समय में अगर कोई खिलाड़ी इस तरीके की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता तो कितनी बड़ी बात होती थी। तो अजय जडेजा की उस पारी के बदौलत भारत ने बोर्ड पर 50 ओवर के बाद 287 रन बोर्ड पर लगा दिए थे 8 विकेट खोकर। अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही पेचीदा सा यह टारगेट था, 288 रन बनाने थे और उनके पास एक ओवर की कमी भी थी। जी हां, पाकिस्तान को सिर्फ 49 ओवर ही खेलने थे क्योंकि बॉलिंग करते हुए उनका जो ओवर रेट था वो स्लो रहा था। तो स्लो ओवर रेट में आज जैसे हम देखते हैं कि अंपायर जो है कैप्टन को पिनलाइज करते हैं, उन्हें एक फाइन देना पड़ता है, उसके अलावा अगर फील्ड सर्कल के बाहर यानी 30 यार्ड का जो सर्कल है उसके बाहर अगर आप 5 फील्डर रख रहे हो तो 5 की जगह आप सिर्फ 4 रख सकते हो, ये आज की डेट की पनिशमेंट है। लेकिन उस जमाने में जब कोई टीम स्लो ओवर रेट से गेंदबाजी करती थी तो उन्हें अपनी बल्लेबाजी में उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता था, यानी कि अगर आप एक ओवर स्लो रेट से गेंदबाजी कर रहे हो तो आपको अपनी बल्लेबाजी में एक ओवर कम खेलने मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पर चल रहा था जब उन्होंने 6 बॉल ऑलरेडी गवा दिए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं उस मैच में पाकिस्तान के कप्तान आमिर सोहेल और उनके साथ सईद अनवर। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों में जो पार्टनरशिप होती है उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ही तो ये मैच आराम से जीत रहा है क्योंकि दोनों ने
10 से 11 ओवर के ही बीच 84 रन जोड़ दिए थे। बहुत ही तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, सारे बॉलर्स को टारगेट कर रहे थे, चाहे वो जवगल श्रीनाथ हो, चाहे वो वेंकटेश प्रसाद हो, सभी गेंदबाजों की बहुत ही तगड़ी धुलाई हो रही थी सईद अनवर और आमिर सोहेल के बल्ले से। फिर पहला विकेट आता है जब जवगल श्रीनाथ सईद अनवर का विकेट निकालते हैं। 84 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरता है, सईद अनवर 32 गेंदों में 48 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं, उनका कैच कंप्लीट करते हैं अनिल कुंबले और गेंदबाजी रहती है जवगल श्रीनाथ की। फिर उसके बाद आमिर सोहेल और इजाज अहमद के बीच में भी एक साझेदारी डेवलप हो रही होती है और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक मूवमेंट आता है। वेंकटेश प्रसाद, जिनको उस मैच में काफी रन पड़ रहे थे शुरुआत में, आमिर सोहेल उनकी गेंद पर आगे बढ़कर एक शानदार कट शॉट लगाते हैं चौके के लिए और उसके बाद उनके पास जाकर उन्हें इशारा करके दिखाते हैं कि मैं आपको दोबारा उसी जगह पर मारूंगा। लेकिन वेंकटेश प्रसाद को यह बात अच्छी नहीं लगी। वेंकटेश प्रसाद को लगा कि यह काफी डिसरिस्पेक्टफुल सा व्यवहार है पाकिस्तान के उस मैच के कप्तान के द्वारा, आमिर सोहेल के द्वारा। आमिर सोहेल ऑलरेडी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे उस समय तक और बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अननेसेसरी था ये कि आप एक बॉलर को चौका मार रहे हो, उसके बाद उसे जाकर कह रहे हो कि मैं आपको दोबारा उसी लेंथ पर मारूंगा। लेकिन भाई यही होता है ना कि कर्मा सबके पास वापस आता है। तो वेंकटेश प्रसाद अगली गेंद एक गोल्डन डिलीवरी डालते हैं, आमिर सोहेल उन्हें कट मारने का ट्राई करते हैं मगर बॉल मिस हो जाती है और स्टंप्स को जाके लग जाती है। आमिर सोहेल वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं, उसके बाद वेंकटेश प्रसाद उन्हें इशारा करके दिखाते हैं कि अब आप पवेलियन की तरफ जाइए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मूवमेंट था मैच का, वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द मैच। बहुत सारे वीडियो आज भी इसके सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जहां वेंकटेश प्रसाद आमिर सोहेल को एक बहुत ही खतरनाक सेंड ऑफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको बोल्ड करने के बाद और कहते हैं कि आप वापस जाइए पवेलियन, अब आपकी जगह उधर नहीं इधर है पीछे की तरफ जहां पवेलियन है। आमिर सोहेल 55 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं, उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्के लगाते हैं, 119 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है और काफी अच्छी बल्लेबाजी करके वापस जाते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्हें सेंड ऑफ मिलता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बैकफुट पर ला देता है। उसके बाद इजाज अहमद को भी वेंकटेश प्रसाद आउट कर देते हैं, इजाज अहमद 12 रन के स्कोर पर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद इंजमामुल हक कॉट बिहाइंड हो जाते हैं और जिस तरह से वेंकटेश प्रसाद गेंदबाजी कर रहे थे उन्होंने पूरे पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद जावेद मियादाद और राशिद लतीफ, इन दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती है। उससे पहले सलीम मलिक भी एक अच्छी पार्टनरशिप करके जाते हैं जावेद मियादाद के साथ। सलीम मलिक 38 रन बनाते हैं 50 गेंदों पर, लेकिन उसके बाद अनिल कुंबले की गेंद पर LBW हो जाते हैं। उसके बाद जावेद मियादाद और राशिद लातिफ के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती है जहां वो लोग अराउंड 50 रन तो जोड़ी देते हैं मेरे हिसाब से, नहीं 50 नहीं माफ कीजिएगा 47 रन की पार्टनरशिप रहती है उन दोनों के बीच में। और 47 रन की पार्टनरशिप के बाद राशिद लतीफ स्टंप आउट हो जाते हैं वेंकटपति राजू की गेंद पर, वहां नयन मोंगिया अपना काम कर जाते हैं विकेट कीपर नयन मोंगिया और राशिद लतीफ 26 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। फिर जावेद मियादाद पर बहुत दारमदार था और सबको लग रहा था कि अब तो सिर्फ जावेद ही इस गेम को पाकिस्तान के लिए जिता सकते हैं, लेकिन जावेद मियादाद रनआउट हो जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की टीम एक तरह से बिल्कुल स्टंप्ड हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, थम जाती है और 49 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम सिर्फ 9 विकेट खोकर 248 रन ही बोर्ड पर जोड़ पाती है और मुकाबला भारत 39 रन से जीत जाती है। मुकाबले के बाद मैन ऑफ द मैच रहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने 93 रन की एक बहुत शानदार पारी खेली थी 115 गेंदों का सामना करते हुए, जहां उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके लगाए थे और सिर्फ 7 रन से चूक गए थे अपनी एक बहुत ही शानदार सेंचुरी से। लेकिन उसके बावजूद मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो नवजोत सिंह सिद्धू को दिया जाता है और भारत वो मुकाबला जीत कर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना लेती है। 1996 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल्स तक पहुंचती है, लेकिन सेमीफाइनल्स में जो होता है ना
वो कहीं ना कहीं आज भी काफी सारे भारतीयों के दिलों में एक खराब मेमोरी की तरह बसी हुई है। 1996 का वो सेमीफाइनल था, भारत सामना कर रहा था श्रीलंका का, और श्रीलंका उस वर्ल्ड कप में जिस तरीके के फॉर्म में थी, जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही थी, बहुत शानदार, और उसी चलते 1996 का वर्ल्ड कप जीता भी था श्रीलंका ने। लेकिन ऐसा क्या हुआ था भारत के मैच के खिलाफ जो श्रीलंका को जीत बाय डिफॉल्ट दे दी गई थी, यानी कि मुकाबला पूरा भी नहीं हुआ था और श्रीलंका को जीत दे दी गई। तो उस मैच में कुछ ऐसा हुआ था कि भारत टारगेट चेज कर रहा था, सचिन तेंदुलकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो स्टंप हो गए थे, स्टंप आउट, और उसके बाद जैसे विकेट की लड़ी गिरना स्टार्ट हुई तो फैंस जो है वो बहुत ही व्याकुल हो गए, फैंस को ये बात पसंद नहीं आई, और भारतीय टीम के खराब परफॉर्मेंस को देखकर भारतीय फैंस बहुत ज्यादा आउटरेजियस हो गए, बहुत रेज में आ गए, बहुत गुस्से में आ गए, और ईडन गार्डन्स के उस मैदान पर जो फैंस ने किया वो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत ही शर्मनाक चैप्टर है। और जिस तरह से फैंस ने वहां पर पोस्टर्स जलाए, बैनर्स जलाए, और मतलब पूरा एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया ईडन गार्डन्स के उस मैदान में, तो उसके बाद सिक्योरिटी कारणों के वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रीलंका को वो मैच बाय डिफॉल्ट दे दिया गया और भारत सेमीफाइनल से बाहर हो गई। हालांकि अगर मैच पूरा भी होता तो भारत के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे उस मुकाबले को जीतने के, लेकिन फिर भी जिस तरह से बाय डिफॉल्ट श्रीलंका को फाइनल में जाने दिया गया, कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही खराब चैप्टर है भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री का, क्योंकि फैंस जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, जिस तरह से एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया उस स्टेडियम में, और उसकी वजह से बिल्कुल श्रीलंका की टीम भी काफी डरी हुई लग रही थी, और बॉटल्स फेंके जा रहे थे ग्राउंड के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है अगर मैच आगे बढ़ेगा तो, जिसकी वजह से मैच को उसी टाइम रद्द कर दिया गया और श्रीलंका को बाय डिफॉल्ट फाइनल में भेज दिया गया, जहां फाइनल में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही यादगार लम्हा था श्रीलंका के लिए उनके क्रिकेटिंग इतिहास में। उस समय के कप्तान श्रीलंका के कप्तान अर्जुना रणतुंगा, जिन्हें मास्टरमाइंड कहा जाता है श्रीलंकन क्रिकेट के सक्सेस का, उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को, जो श्रीलंका के नामी गामी खिलाड़ी, उनको बढ़ावा दिया था, जैसे मुतैया मुरलीधरन की मूवी भी आई है मुरली 800 करके, ऐसे कुछ मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा 1996 में कैसे श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था उसके बारे में। और अगर वापस आए भारत और पाकिस्तान के मैच पर, तो भारत ने तो पाकिस्तान को फिर से हरा दिया वर्ल्ड कप में और 2-0 की बढ़त ले ली, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो मुकाबला रहा था जहां भारत ने पाकिस्तान को हराया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, 39 रनों से वो जीत हासिल की थी, और 1992 के बाद 1996 में भी पाकिस्तान को धाराशाही किया था। तो अगर इन दो वर्ल्ड कप्स की बात करें तो भारत ने एक अच्छी शुरुआत ले ली थी पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के इतिहास में, और इस एपिसोड में तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि भाई भारतीय टीम ने जो लीड ली है पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को काफ़ी साल लगेंगे भारत को वर्ल्ड कप मैच में हराने में, क्योंकि 92 में हम जीते हैं, 96 में भी हम जीते हैं, और लगातार हम पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैचेस में जीतते हुए आए हैं। बहुत सारे यादगार लम्हे थे इस वर्ल्ड कप मैच में, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वेंकटेश प्रसाद ने जिस तरह से आमिर सोहेल को सेंड ऑफ दिया चौका खाने के बाद, जैसे उनको आउट किया, उसके अलावा जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बहुत शानदार पारी खेली, जिस तरह से मुकाबला भारत ने जीता, कहीं ना कहीं एक घर कर गया वो मुकाबला बहुत सारे भारतीय फैंस के दिलों में, जिन्होंने 1996 वर्ल्ड कप फॉलो किया था, और क्राउड में बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, बेंगलुरु का वो मैदान था, और ऑब्वियसली बात है जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कहीं भी होता है तो क्राउड बिल्कुल उभर उभर कर आता है, और बेंगलुरु के मैदान में भी उसी तरह की एनर्जी देखने को मिल रही थी उस मैच में, जहां पर भारत ने पाकिस्तान को 39 रन से हराया था। तो ये था इस सीरीज का दूसरा एपिसोड जहां भारत और पाकिस्तान के यादगार वर्ल्ड कप मैचेस के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब 1992 और 1996 के बाद तीसरे एपिसोड में हम आपसे
डिस्कस करेंगे 1999 वर्ल्ड कप में कैसे भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। उस मुकाबले में राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उस पर भी आपसे हम तीसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको ये सीरीज अभी के लिए पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सीरीज लेकर आएंगे। और इस सीरीज में हम आपसे और चर्चा करेंगे कि किस तरह के वर्ल्ड कप मैचेस हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1999 में भी हुए हैं, 2003 में भी हुए हैं, 2007 में नहीं हुआ था, 2011 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ, और अभी रिसेंटली 2023 में भी हुआ। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबले हुए, हम सबसे आपके बारे में चर्चा करेंगे इस सीरीज में। लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, लाइक और शेयर कर देना यार, क्योंकि ऐसी सीरीज करने में मुझे भी काफी मजा आएगा और आपको भी इन कहानियां, इन किस्सों को सुनने में बहुत मजा आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बाय बाय।